नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हर्षल शाह है व मैं इंदौर में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी पेट रोग विशेषज्ञ के लिए एंडोस्कोपी अत्यंत आम जांच है, परंतु आम जनता में एंडोस्कोपी को लेकर एक भय व टालने की प्रवृत्ति रहती है, जिस वजह से कई जटिल बीमारियों का निदान सही समय पर नहीं हो पाता एवं यह बीमारियां काफ़ी एडवांस स्टेज में होने के बाद डायग्नोज होती है, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों ही काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो चलिए आज इस एंडोस्कोपी जांच के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज चर्चा करते हैं। एंडोस्कोपी का मतलब है दूरबीन के द्वारा शरीर के अंगों की जाँच करना। यह कई तरह की होती है, जैसे मुंह के रास्ते आहार नली, पेट व छोटी आँख की जाँच करने को गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बड़ी आंख की जांच जो मलद्वार के द्वारा की जाती है उसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं। पित्त नलिका यानी गॉल ब्लैडर व सीबीडी की जांच तो ईआरसीपी कहते हैं। छोटी आंख की जांच तो कैप्सूल एंडोस्कोपी या फिर एंट्रोस्कोपी कहा जाता है, परंतु इन सभी जांचों में मुंह के द्वारा या फिर आहार नली के द्वारा दूरबीन डाला जाता है, जिससे हम जाँच कर सकते हैं। एंडोस्कोपी की जाँच वस्तुतः दो अवस्थाओं में की जाती है, एक निदान यानी डायग्नोसिस के लिए और एक उपचार यानी ट्रीटमेंट के लिए। निदान के लिए एंडोस्कोपी हम उन मरीजों में करते हैं जिन्हें गैस की शिकायत हो, खाने के बाद पेट फूल रहा हो, भूख कम लग रही हो, वजन कम हो रहा हो या फिर निगलने में कठिनाई हो रही हो। उपचार यानी ट्रीटमेंट के लिए एंडोस्कोपी की जाती है जब मरीज को खून की उल्टी हो या फिर काला मल हो, जिसमें हम एंडोस्कोपी के द्वारा क्लिपिंग, बैंडिंग या फिर इंजेक्शन लगा सकते हैं। कैंसर के पेशेंट को एंडोस्कोपी के द्वारा हम स्टेंटिंग या बायोप्सीज कर सकते हैं व जो मरीज को आहार नली व छोटी आंत में संकुचन यानी रुकावट हो, उसमें हम तार के द्वारा इन नलियों को चौड़ा कर सकते हैं व मरीज को तुरंत इलाज दे सकते हैं। एंडोस्कोपी वाले दिन हम मरीज को कम से कम 4 से 5 घंटे खाली पेट रहने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए अगर सुबह 11 बजे आपकी एंडोस्कोपी है तो सुबह 7 बजे आप चाय ले सकते हैं, परंतु चाय के साथ कुछ और न लें। ऐसे ही आप सुबह 8 बजे तक पानी पी सकते हैं, पर यह सुनिश्चित करें कि 8 बजे बाद आप कुछ भी मुँह के द्वारा न लें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट के मरीज अपनी दवाई पहले की स्थिति जैसी ही चालू रखें। शुगर या डायबिटीज़ के मरीजों को अपना सुबह का इंसुलिन या दवाइयाँ अपने फिजिशियन से सलाह करके ही कम ज़्यादा करनी चाहिए। एंडोस्कोपी के तुरंत बाद आप ये सब दवाइयाँ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंडोस्कोपी एक बहुत ही सरल व सामान्य जांच है, इसलिए इससे भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एंडोस्कोपी में सामान्यतः 5 से 10 मिनट का समय लगता है व 1 घंटे बाद मरीज अपनी नॉर्मल दिनचर्या कंटिन्यू कर सकता है। सबसे पहले एंडोस्कोपी में ज़ाइलोकेन स्प्रे हम मुंह में डालते हैं, जिससे मरीज का गला सुन्न हो जाता है व उसे कम से कम परेशानियां होती है। इसके बाद एक रबर की ट्यूब जिसके एंड में कैमरा लगा रहता है, उसे धीरे से मुंह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है व सबसे पहले गले का फोटो लिया जाता है, जिसमें सांस की नली व आहार नली हम देख सकते हैं। इसके पश्चात बहुत ही धीरे से ये रबर की ट्यूब आहार नली में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे आहार नली की बीमारियाँ जैसे कैंसर अथवा छाले वह हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके आगे जब हम आहार नली व पेट के ज्वाइन करने वाले हिस्से में पहुंचते हैं, वहां पर जो वॉल्व रहता है उसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इसकी बीमारियों में मुख्यतः GERD यानी रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसका हम काफ़ी परिपूर्ण रूप से डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसके बाद हम पेट में एंटर करते हैं, जिसमें हम पेट के नॉर्मल फोल्ड्स, पेट के छाले, पेट की सूजन अथवा पेट में जो कैंसर या गठाने रहती है उसका हम निदान कर सकते हैं। इसके आगे हम छोटी आंत के पहले हिस्से में, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, उसमें एंटर करते हैं और उसमें कुछ छाले या फिर सूजन का हम निदान कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मरीज का सैचुरेशन व उसका ब्लड प्रेशर व पल्स का हम मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे किसी भी अचाही सिचुएशन को हम टैकल कर सकें। एंडोस्कोपी की जाँच के पश्चात मरीज को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है व 10 मिनट उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। इन 10 मिनट में उसका गला नॉर्मल हो जाता है, वह आधे घंटे बाद वह पानी पी सकता है। इसी दौरान मरीज को रिपोर्ट भी बना ली जाती है, उसको समझा दी जाती है व जो उसका उपचार है वह भी उसको स्टार्ट कर दिया जाता है।
सामान्यतः आधे घंटे बाद मरीज तरल पदार्थ चालू कर सकता है व करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वह नॉर्मल अपना खाना चालू कर सकता है। इसके अलावा अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया गया हो तो फिर ड्राइविंग या फिर भारी मशीनरी वाला काम भी वो कर सकता है, परंतु अगर एनेस्थीसिया का उपयोग किया गया है तो कम से कम 2 से 3 घंटे उसे ड्राइव व हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ हमने एंडोस्कोपी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, एंडोस्कोपी के पूर्व, एंडोस्कोपी के दौरान व एंडोस्कोपी के पश्चात क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। एंडोस्कोपी में हम डॉक्टर्स को यह मदद मिलती है कि मरीज को कौन सी दवाई देनी है, कितने समय के लिए देनी है व कितने डोज पे देनी है। यह सब सिर्फ एंडोस्कोपी के माध्यम से ही हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं। अगर एंडोस्कोपी सामान्य रहती है तो वो बहुत ही खुशी की बात है। अगर एंडोस्कोपी में सामान्य सी परेशानियाँ आती है जैसे इसोफेजाइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस, तो हम 4 से 6 हफ्ते की दवाइयाँ देते हैं जिससे ये बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जबकि तो जटिल बीमारियां जैसे कैंसर या फिर रुकावट या फिर जठाने या फिर खून बहना, इन बीमारियों के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की जांच आपको रिकमेंड करी है तो इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंडोस्कोपी की जांच से हम जटिल से जटिल बीमारियों का बहुत ही ईजिली व बहुत ही जल्दी निदान कर सकते हैं ताकि आपका उपचार जल्द से जल्द शुरू हो सके। तो मित्रों, एंडोस्कोपी से घबराएं नहीं, इससे भयभीत ना हो वह बिल्कुल सामान्य मन से एवं अच्छे मन से एंडोस्कोपी की जांच के लिए आएं एवं एक पेट रोग एवं लिवर रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। धन्यवाद। नमस्कार।